सवा सौ करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम ला के रहेंगे। पीएम मोदी अपने भाषणों में बार बार 2022 का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य 2022 तक हर गरीब को सशक्त बनाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, देश के युवाओं को ऐसा बनाना है जो रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बने। आज पीएम का यही सपना साकार होने की राह पर चल पड़ा है। करेंगे और करके रहेंगे इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जारी एक रिपोर्ट में माना गया है कि आने वाले समय में भारतीयों की संपत्ति काफी तेजी से बढ़ने वाली है। लोगों की जेब में पैसे आने का फायदा देश को भी मिलने वाला है। निजी संपत्ति के मामले में 2022 तक भारत दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश बनने जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, चीन दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमी के मामले में भारत की संपत्ति सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी।